The question given is to find the direction cosines of the line which is perpendicular to the lines with direction cosines proportional to 1 comma minus 2 comma minus 2 and 0 to 1. तो हम मान लेते हैं हमें जो direction cosines find करना है, that is A, B, C. अगर कोई line के direction cosines होता है A1, B1, C1 and A2, B2, C2 and if they are perpendicular, तो इनका relation होता है कि A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is equal to 0. यहाँ पे हमें दो ratios given है, 1, comma minus 2, comma minus 2 and 0, comma 2, comma 1. तो अगर हम दोनों में ये relation देखें, तो first आएगा हमारे पास 1 into A, that is A, minus 2B, minus 2C is equal to 0 and दूसरा होगा कि 0 into A plus 2B plus C is equal to 0. ये आएगा. अगर हम यहाँ से देखें तो 2b की वैल्यू आ गई minus c के इक्वल. यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि a minus 2b that is plus c minus 2c is equal to 0 that is a minus c is 0. तो यहाँ से आगे कि a is equal to c. तो अगर हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास आया कि c is equal to minus 2b. तो अगर हम देखें a is equal to minus 2b is equal to c. ये आता है हमारे पास. तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे ए बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो हमें गिवन है ए माइनस टू बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो इंटू ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास आएगा ए अपॉन यहाँ पे माइनस टू इंटू वन माइनस ऑफ माइनस टू इंटू टू इज इक्वल टू बी माइनस टू इंटू जीरो माइनस ऑफ वन इंटू वन इज इक्वल टू सी अपॉन 1 इंटू टू माइनस ऑफ माइनस टू इंटू जीरो. तो ये हमारे पास होगा a अपॉन माइनस टू प्लस फोर इज इक्वल टू b अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू c अपॉन टू. दैट इज a अपॉन टू इज इक्वल टू b अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू c. अगर हम देखें यहाँ माइनस टू इंटू यहाँ पे जीरो है और ये माइनस वन है ना कि माइनस टू. तो ये माइनस वन और टू. तो इससे हमारे पास आएगा ए बी सी is equal to 2 minus 1, 2. और ये हमारे इस relation को follow भी कर रहे हैं. So, this is the required direction cosines, जो given दोनों direction cosines के perpendicular है. So, this is our answer.